दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? आपको पता है कि वो डॉक्टर है, वापस कर दे। अब आपका कोई दोस्त निकम्मा है, वो आगे 10 लाख रुपया मांगता है, दीजिएगा? क्यों? सिक्योर नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज ध्यान दे रहा हूं, जो कंपनी आपके पैसे से कोई बिजनेस नहीं करती है, बी केयरफुल सर, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। मनी रोटेशन बहुत सारी कंपनियों ने किया, इसलिए पैसा डूब गया सर। कंपनी कहती है ना कि हमारा विदेश में फॉर्म हाउस है, वहां मुर्गी है, गाय है, कभी किसी ने देखा नहीं। आपके पैसे को लिया गया, सिर्फ एक सपना दिखाया गया, और वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो गई सर। कभी आपने चेक करने की कोशिश की कि आपके पैसे के क्या होगा? गलती कंपनी की नहीं सर, गलती आपकी है। हम एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि सीबीएसई का सर्टिफिकेशन है कि नहीं। कभी आपने चेक किया सर? पूरी जिंदगी अपने आप में लगा देते हो, सिर्फ एक आभासी दुनिया के पीछे भागते हैं सर। लोगों ने कह दिया इतना मिल जाएगा, पागल हो गया अपना सर। सर ठीक है, अब वहां पे आते हैं। ठीक है, आपने वो पूछा। अब देखिए हमारा, हम क्या है, सब ब्रोकर है सर। जब सब ब्रोकर होता है तो उसको लाइसेंस मिलता है सर। आप सिंपल सा, चलिए मैं अकाउंट बता देता हूँ, वो भी हेल्प करता हूँ। आपके अकाउंट में कभी किसी के अकाउंट पर 5 लाख रुपया आया है अचानक से, सेविंग में आया है? अगर 5 लाख रुपया किसी के अकाउंट में अगर आ जाएगा ना, बैंक से उसी दिन फोन आ जाता है, पता है आपको कि नहीं? तुरंत बैंक से फोन आ जाएगा कि सर ये पैसा कहाँ से आपने लिया है? हमारी कंपनी के अकाउंट में डेली करोड़ रुपया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट उसे पूछती होगी कि नहीं पूछती होगी? पूछेगी ना, नेचर ऑफ बिजनेस पूछती होगी कि नहीं पूछती होगी? पूछेगी। आप जब सीए के पास रिटर्न फाइल करने जाते हैं 3 महीने में आईटीआर में, तो नेचर ऑफ बिजनेस पूछती है कि नहीं पूछती होगी? सब जी ये सारे सवाल अगर गवर्नमेंट पूछती है सर, अब ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो गया सर। आप अपने इनकम को आप छुपा नहीं सकते। पहले क्या था, 10 बैंक में रख सकते थे, अब तो आपका आधार और पैन वहां लग जाता है सर, एक ही बैंक में रखना काफी है। छुपा ही नहीं सकता सर, अपने पूरी प्रॉपर्टी को नहीं छुपा सकते, सब जगह आधार लग गया है सर। चलिए सेशन को यहीं पे वाइंड अप करें, पूछ लीजिए सर। डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग भी देख सकते हैं, वो मिल जाएगा, सीनियर आपको दे देंगे। ठीक है, और कुछ निश्चित नहीं है ये इफ बट, हाँ इफ बट आता है, आना भी चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं आना चाहिए। गाड़ी हम चला रहे हैं, टक्कर लगी तो, ट्रेन में बैठने जा रहे हैं और हमने सोचा कि अगर ट्रेन में चल रहा हूँ, ट्रेन टक्कर मार दी तो, आप ड्राइवर से पूछते हो समय जाके कि तेरे पास लाइसेंस है कि नहीं है? सर एक बिलीफ सिस्टम थोड़ा होता है कि पहले से चल रहा है, तो मान लो दिल्ली से कोई ट्रेन आ रही है और गुवाहाटी में मैं बैठ गया, तो मेरे को उम्मीद है कि दिल्ली से जो ड्राइवर चला के ला रहा है तो अच्छा होगा, जो तो मेरे को डिब्रूगढ़ पहुंचा देगा। तो बीच बीच में बार बार, एक बार ट्रेन में बैठ जाइए तो बार बार किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे को डिब्रूगढ़ पहुंचाएगी क्या। हर एक स्टेशन पर उतर के पूछेगा सर डिब्रूगढ़ ट्रेन जाएगी क्या, तो क्या होगा, ट्रेन तो उसी समय पहुंचेगी। आप पैनिक रहेंगे पूरे रास्ते, आप गुवाहाटी से मेंटली लाभिंग में पूछे सर जाएगी क्या, दीमापुर में आगे सर डिब्रूगढ़ जाएगी क्या, पूरी रात आप जगह रहे, ट्रेन तो पहुंच ही जाए। तो एक बार बिलीव कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि सही ट्रेन है कि नहीं, फिर बैठ जाइए, फिर क्वेश्चन में पूछिए। एक बार जब किसी को मान लिया ना, तो मान लिया, ठीक है ना। बार 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 रिलेशन में ना क्रॉस नहीं करते सर, रिलेशन में बार बार क्रॉस करेंगे तो संबंध खराब हो जाता है। डू यू लव मी, अगर रोज पूछेंगे ना तो घर में क्या होगा, फिर वही होगा। एक बार चेक कर लो, जिसमें जितना चेक करना है, 10 बार 20 बार 30 बार चेक कर लो सर, फुल जितना करना कर लो, और एक बार कर लिया स्टॉप इट, हो गया हो गया। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आए।